We will not let them stop us. The mission will go on. अमेरिकी राष्ट्रपति का स्पष्ट और कड़ा संदेश कि मिशन किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है. जो भी अमेरिकन अफगानिस्तान में तालिबान संकट के बीच फंसे हैं उन्हें वहां से रेस्क्यू कर लिया जाएगा. अमेरिका पर आतंकी चोट करने वाला आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल है जो बगदादी के आईएसआईएस का ही ब्रांच है. 2015 में बने इस आतंकी गुट को पाकिस्तान की सरपरस्ती भी मिलती रही है. काबुल धमाके का गुनहगार आईएसआईएस खुरासान एक शाखा है और पाकिस्तान की सरपरस्ती पाकिस्तान का साथ भी इसे लगातार मिलता रहा है. 2015 में आईएसआईएस का गठन हुआ खुरासान का. पाकिस्तान की मदद से ये ब्रांच ये मॉड्यूल तैयार हुआ है. खुरासान मॉड्यूल में अलकायदा भी शामिल है और इस पूरे हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है. काबुल एयरपोर्ट को लेकर जो डर था वही हुआ. जो हामिद करजई एयरपोर्ट हजारों लोगों की भीड़ से दुनिया का ध्यान खींच रहा था वो एक के बाद एक धमाकों से दहल गया. जो काबुल एयरपोर्ट तालिबान के अत्याचार से बचने का एकमात्र जरिया बना हुआ था उसे आतंक ने खौफ से भर दिया. مردمایی که دان دروازه میدان استفاده بودن به خاطر رفتن انفجار شده زخمی ها و شهید ها رو آوردن अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ दिन पहले ही काबुल पर आतंकी हमले की आशंका जताई थी और आईएसआईएसके का नाम लिया था. No illusions about the threat. I said on Friday, ISIS-K is a sworn enemy of the Taliban, and they have a history of fighting one another. But every day we have troops on the ground. These troops, innocent civilians at the airport. Face the risk of attack from ISIS-K from a distance, even though we're moving back the perimeter significantly. We're working hard and as fast as we can to get people out. That's our mission. 14 अगस्त के बाद से काबुल एयरपोर्ट पर लगातार भीड़ बढ़ रही थी. नाटो देशों के सैनिक गर्मी में पस्त होते अफगान नागरिकों की मदद भी कर रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें अमेरिकी सुरक्षा तंत्र को डरा रही थी क्योंकि आतंकवादी इसका फायदा उठा सकते थे, खासकर ISIS-K. आईएसआईएस खुरासान आईएसआईएस का ही हिस्सा है जिसे अफगानिस्तान पाकिस्तान के आतंकवादी चलाते हैं. इसका मुख्यालय अफगानिस्तान का नांगरहार राज्य है जो पाकिस्तान के बेहद नजदीक है. तालिबानी कमांडर मुल्ला उमर की मौत के बाद तालिबान के बहुत से खूंखार आतंकवादी आईएसआईएस खुरासान में शामिल हो गए. इस तरह ये तालिबान से ही निकला एक ग्रुप कहा जा सकता है जिसका मकसद खुरासान राज्य की स्थापना करना है. अफगानिस्तान की सिचुएशन बहुत खराब होने वाली है क्योंकि इस्लामिक स्टेट एक बहुत ही कहते हैं कि एक प्रकार से बहुत जमड़ा हुआ है और वो अलकायदा के साथ मिलकर तालिबान को चैलेंज करेगा और ऐसे में सिविल वार होगा और यही एक होने वाला है. आईएसआईएस खुरासान की अमेरिका से दुश्मनी क्यों और कैसे शुरू हुई ये समझने से पहले आपको फारसी शब्द खुरासान को समझना होगा जिसका मतलब होता है जहाँ से सूरज उगता है. तीसरी चौथी सदी में अरब से निकले लोग आज के ईरान पहुंचे. जहाँ वो आबाद हुए उसका नाम खुरासान पड़ा जिसका दायरा बढ़ता गया और वो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा. बाद में बगदादी की नज़र खुरासान पर पड़ी और उसने आतंक का खुरासान नक्शा तैयार किया. इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के नक्शे में भारत का गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर आता है. वहीं इसमें आधा चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान आता है. लेकिन अमेरिका से इसकी अदावत कई साल पहले शुरू हुई जब अमेरिका ने इसे तालिबान से बड़ा खतरा मानते हुए इस पर एयर स्ट्राइक शुरू की. इन हमलों की वजह से ISIS-K की ताकत काफी कमजोर हो गई. अमेरिकी हमलों की वजह से साल 2016 तक ISIS-K में 1,500 से 2,000 आतंकवादी ही बचे थे. लेकिन 13 अप्रैल 2017 को अमेरिका ने इस आतंकवादी संगठन को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई और उसके ठिकाने पर सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिरा दिया. अमेरिका ने अफगानिस्तान के नांगरहार राज्य में मदर ऑफ ऑल बम को ISIS के मुख्यालय के ठीक ऊपर गिराया जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा आतंकवादी एक झटके में मारे गए.
लेकिन इसके बावजूद ये धीरे धीरे एक बड़े आतंकवादी संगठन में तब्दील हो गया। साल 2020 में ISISK ने शिहाब अल मुजाहिर को अपना नया लीडर घोषित कर अफगानिस्तान को दहला दिया। पिछले साल ISISK ने सिखों के गुरुद्वारे पर हमले के अलावा काबुल में एक महिला अस्पताल को भी निशाना बनाया। इस हमले में 24 महिलाओं और नवजात बच्चों की मौत हो गई। मरने वालों में कई ऐसी महिलाएं भी शामिल थी जो कुछ ही देर में बच्चों को जन्म देने वाली थी। इस घिनौनी हरकत को अंजाम देकर ISISK ने साबित कर दिया कि वो तालिबान से भी खूंखार आतंकवादी संगठन है। काबुल एयरपोर्ट में जो हुआ उसे जानकार खतरे की बड़ी घंटी करार दे रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान आतंक के अलग अलग संगठनों का केंद्र बन चुका है जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए नासूर साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो।